Question 1. Exercise 3.3, Class 9, N.C.E.R.T. In which quadrant or on which axis do each of the point minus 2, 4, 3, minus 1, minus 1, 0, 1, 2, and minus 3, minus 5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. इस क्वेश्चन में कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं जो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये हमें बताना है. इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ. एक तरफ मैं कोऑर्डिनेट लिखूँगा और दूसरे तरफ उस क्वाड्रेंट का नाम लिखूँगा जहाँ पे दिया गया कोऑर्डिनेट लाई करेगा. क्वाड्रेंट नंबर पहला क्वाड्रेंट हमको दिया गया है माइनस टू एंड फोर. माइनस टू एंड फोर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये हमें बताना है. सेकंड क्वाड्रेंट में जो बी पॉइंट होता है उसके क्वाड्रेंट माइनस और प्लस होते हैं. पहला माइनस होता है दूसरा प्लस होता है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. दूसरा क्वाड्रेंट दिया गया है थ्री एंड माइनस वन. एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तीसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है माइनस वन एंड जीरो. जीरो इसकी ऑर्डिनेट है दिए गए पॉइंट का ऑर्डिनेट है. जीरो का मतलब है कि वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से इसकी दूरी डिस्टेंस जीरो है तो यह एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा. यह एक्स एक्सिस पे लाई करेगा. अगला कोऑर्डिनेट दिया गया है वन एंड टू. दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं. और एक और बचा है माइनस थ्री एंड माइनस फाइव. ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा. तीसरा क्वाड्रेंट जो होता है वह उसका पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव और दूसरा कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव ही होता है. अब इन कोऑर्डिनेट को हमें कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है तो हम एक कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाएंगे. यह वाई एक्सिस रहेगा और यह एक्स एक्सिस रहेगा. एक्स एंड एक्स बार वाई एंड वाई बार. दिए गए कोऑर्डिनेट को देखते हुए हम फाइव पार्टीशन करेंगे. दो तीन चार पाँच. वन टू थ्री फोर फाइव. टू थ्री फोर फाइव. माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव. वन टू थ्री फोर फाइव. वन टू थ्री फोर फाइव. माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव. हमने चार क्वाड्रेंट बना लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा. अब दिए गए कोऑर्डिनेट को इस प्लेन पर कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करेंगे. पहला है माइनस टू एंड फोर. यह सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और वाई एक्सिस से पहले हम दो यूनिट दूर आएंगे माइनस टू पर. और दूसरा क्वाड्रेंट जो फोर है यह बता रहा है कि एक्स एक्सिस से फोर यूनिट की दूरी पे है.
तो हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे माइनस टू से और एक फोर से, और एक फोर से, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ जिसको हमने ए नाम दे दिया, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस टू एंड फोर। अब हम आते हैं थ्री और माइनस वन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये फोर्थ पे आएगा थ्री एंड माइनस वन, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा की जाएगी और एक लाइन यहाँ से, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, और इसका जो कोऑर्डिनेट है थ्री और माइनस वन इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। अब हमें दिखाना है माइनस वन जीरो को, माइनस वन एंड जीरो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया सी, जो माइनस वन एंड जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथा है वन एंड टू, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पहले हम वाई एक्सिस से वन यूनिट दूर आ गए और फिर एक्स एक्सिस से दो यूनिट की दूरी पर आ गए, दोनों से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, उसका नाम मैंने दे दिया डी, और इसके कोऑर्डिनेट हुए वन एंड टू। अब हमें माइनस थ्री एंड फोर को दिखाना है, माइनस थ्री एंड फाइव को दिखाना है, जो कोऑर्डिनेट नंबर थ्री में आएगा, पहले हम वाई एक्सिस से थ्री यूनिट दूर जाएंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और फिर हम एक्स एक्सिस से फाइव मिनट की दूरी पे आए और यहाँ से भी एक लाइन ड्रा करेंगे, जो पहली वाली लाइन को ई पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट हुए माइनस थ्री एंड माइनस फाइव। तो इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट को प्लेन कार्टेशियन पर लोकेट करके दिखाया गया, और इस बात का वेरिफिकेशन भी हो गया कि दिए गए कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं।